राजधानी दिल्ली में दिन प्रतिदिन अतिक्रमणकारियों का जमावड़ा बढ़ता जा रहा है। जहां तहां पटरियों पर सड़कों पर बढ़ते अतिक्रमण के कारण जाम जैसी गंभीर समस्याएं बनती जा रही है। वाहन तो दूर, लोगों का पैदल मिलना भी दुर्भर होता जा रहा है। बात करें राजधानी दिल्ली स्थित दरियागंज इलाके की, तो यहां हालत गंभीर है। दिल्ली नगर निगम की मिलीभगत से अतिक्रमण दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। दिल्ली नगर निगम की बढ़ती तानाशाही के खिलाफ फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ दरियागंज के आह्वान पर दुकानों के बाहर पटरी व सड़कों पर दिन प्रतिदिन रेडी पटरी के बढ़ते अतिक्रमण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। फेडरेशन के संरक्षक मनोज कुमार जैन, अध्यक्ष धीरू डिंगरा व महामंत्री योगेश जैन ने दरियागंज की समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया। क्षेत्रीय निगम पार्षद सारिका चौधरी की लापरवाही से बीते लगभग 6 महीने से दरियागंज इलाके में सड़कों पर रेडी पटरी वालों का अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है। इसी समस्या को लेकर फेडरेशन के समस्त पदाधिकारी व समस्त दुकानदारों के साथ मिलकर दिल्ली नगर निगम की मेयर शैली ओबेरॉय को लिखित में एवं मौखिक रूप पर बढ़ते अतिक्रमण की समस्याएं कई बार दर्ज कराई है, लेकिन दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत के कारण इन अतिक्रमणकारियों पर कोई उचित कार्यवाही नहीं होती है। और क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं इस रिपोर्ट में। मेरा नाम मनोज कुमार जैन है, मैं दरियागंज फेडरेशन का पैटर्न हूँ और आज हम लोग परेशान होने के बाद पिछले कई महीनों से हमने एमसीडी डिपार्टमेंट को, क्षेत्रीय निगम पार्षद को, विधायक को, दिल्ली पुलिस को अप्रोच करी कि पिछले कुछ महीनों के अंदर दरियागंज के अंदर पटरियों पर अवैध कब्जे, इलीगल पार्किंग, अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन इंतहा से भी ज़्यादा पार कर चुकी है, लेके मगर उनके कान पे किसी के जूं नहीं रेंग रही है। दरियागंज में पिछले 3 महीने के अंदर 100 से भी ज़्यादा लोगों ने पटरियों के ऊपर कब्जे किए हैं। आप मेरे दाहिनी तरफ उल्टे हाथ पे देख सकते हैं, कल शाम तक यहाँ पे 7 झुग्गियाँ लोगों की बनी हुई थी। लोगों को जब जानकारी मिली कि हम लोग यहाँ पे डेमोस्ट्रेशन करने वाले हैं दरियागंज में, तो एमसीडी डिपार्टमेंट ने, पुलिस महकमे ने मिलके उनमें से 3 झुग्गियों को रात को हटा दिया और अभी भी आप देखेंगे वहाँ पे 3 झुग्गियाँ इस समय बनी हुई हैं, लेके दरियागंज को स्लम बना दिया। दिल्ली का धड़कन हुआ करती थी दरियागंज और आज इसको उन्होंने क्लस्टर बना के छोड़ दिया है। लेके जो क्या मांग कर रहे हैं इन बीसीएन न्यूज़ के लिए दिल्ली से ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट।